दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ आइकन ऑफ द सीज को बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। रॉयल कैरिबियन नामी कंपनी के 28 बहरी जहाज़ों के बेड़े में आइकन ऑफ द सीज को शामिल कर लिया गया है। फिनलैंड में तैयार होने वाले इस बहरी जहाज़ को 27 नवंबर को कंपनी के हवाले किया गया। डिज़ाइन से लेकर इसकी तैयारी तक 2.5 साल का अरसा लगा। ये जहाज़ टाइटैनिक से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसमें 20 अरशे न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क की नकल और मुतअद्दिद सहूलियात दस्तियाब होंगी। इसमें एक वक्त में 9,950 अफराद सफ़र कर सकेंगे और यह जनवरी 2024 में अपने पहले सफ़र पर रवाना होगा। ये 1198 फीट बुलंद जहाज़ है, जिसका वज़न 2,50,800 टन है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप करार दिया गया है। ये बहरी जहाज़ पहले सफ़र के दौरान अमरीकी शहर मियामी से कैरिबियन जज़ायर जाएगा। ये जनवरी 2024 में अपने पहले सफ़र पर रवाना होगा। इसमें 40 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। पहली बार किसी जहाज़ में वाटर पार्क मुसाफरों के लिए दस्तियाब होगा, जिसमें 6 वाटर स्लाइड्स होंगी। इस जहाज़ में मजमूई तौर पर 2,805 कमरे तैयार किए गए हैं, जिनको 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जैसे 3 मंजिला टाउन हाउस का 1 हफ्ते का किराया औसतन $75,000 है। इसकी सबसे सस्ती टिकट भी $1,820 की है, जिसके दौरान एक मुसाफिर 7 रातों तक एक आम कमरे में क्याम कर सकेगा। इस बहरी जहाज़ में स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इस बहरी जहाज़ में एक आबशार भी तामीर की गई है और मुसाफिर आइस शूज़ से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इससे कबल दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ का एजाज भी इसी कंपनी के एक और जहाज़ विंडर ऑफ द सीज के पास था, जिसे 2022 में मुतारिफ कराया गया था। इस तरह कंपनी की जानिब से स्टार ऑफ द सीज के नाम से एक और बहरी जहाज़ की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, जो 2025 के मौसम गर्मा में अपने पहले सफ़र पर रवाना होगा। आइकन ऑफ द सीज के खाके कंपनी की जानिब से चंद माह पहले जारी किए गए थे और सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस जहाज़ ने जून 2023 में समंदरी सफ़र की आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल की थी।